नमस्कार आदा, एवीएन नेटवर्क में आपका खुश आमदी। आइए जानते हैं क्या है आज की बड़ी खबर। आखिर ये सामने आ ही गया कि आरएसएस की मोदी सरकार क्यों स्कूल कॉलेज नहीं बनाना चाहती। गुजरे 6 साल के अर्थ में पूरी दुनिया इस सोच में परेशान है कि आखिर मोदी सरकार स्कूल कॉलेजों की बजाय मंदिरों के बनाने में क्यों दिलचस्पी रख रही है। ताली थाली और दिए थे कोरोना भगाने की अंगूठा छाप तकनीक के नतीजे के तौर पर कोरोना मरीजों की तादाद 6 से बढ़कर लाखों में पहुंच गई। 50,000 से ज्यादा जो मर विडम्बना यह है कि इलाज या वैक्सीन की तलाश डॉक्टर और अंधविश्वास और प्रचारों पर लुटाया कॉलेजों में इलाज और रोग पर लगा लेकिन यहां तो सरकार को अंधभक्तों का अलग जूम चाहिए जो किसी कॉलेज से नहीं निकलते। अब इन महाशय को ही देख लीजिए, बेचारे स्कूल कॉलेज से निकलते तब शायद कीचड़ में बैठकर शंख न बजाते बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ इलाज वैक्सीन तलाशने पर माथापच्ची कर रहे होते। ये है राजस्थान के सवाई माधोपुर के टोंग से बीजेपी सांसद सुखवीर सिंह, जो कीचड़ में नंगे बैठकर शंख बजाकर कोरोना को डराकर भगाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको दूर दूर तक भी कहीं बीमारी आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का धन्यवाद किया है कि जिस हिसाब से लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की इम्यूनिटी जिस हिसाब से उन्होंने देखी और कहीं भी दूर दूर तक भी कोरोना नहीं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात का धन्यवाद किया है। और मैंने पहले दिन इस बात को कह दिया था कि राजस्थान प्रदेश के लोगों के अंदर में कोरोना कहीं दूर दूर तक भी नजदीक नहीं आएगा, आज वही बात सिद्ध हुई है। तो मैं आज सबसे फिर कहना चाहता हूं कि आप इम्यूनिटी की दवा खाने की बजाय आप खाते रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप बाहर निकलोगे, बाहर धूप में जाओगे, बारिश में जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी और कोरोना आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं छुएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं दोबारा फिर आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इस बात पर आइए। मैंने पहले एक दिन अग्नि के बीच में बैठ के एक वो आपके सामने अपने वो दिखाया था कि आप ऐसे भी करिए, आज मैंने धूप में चल के भी दिखाया, ट्यूबवेल के नीचे नहाते हुए भी दिखाया, मैंने आज इसमें भी दिखाया बारिश में भीगते हुए। तो मैं सब चीजें नेचुरल लीजिए और इसका मजा ही कुछ और है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब आओ और हम सब मिलकर इस हिसाब से जो भगवान की दी हुई चीजें हैं उनके सब खेलें।